आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पोको M2 या फिर पोको M2 Pro में इनकमिंग कॉल फ़ोन की डिस्प्ले या फिर फ़ोन की स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर अब ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करिए। अब ये मैनेज ऐप्स ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर अब ये डायलर आएगा या फिर आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप आएगा, तो ये फ़ोन के नाम से आएगा डायलर, इस पर क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। उसके बाद ऊपर स्टोरेज पर क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा पर क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। तो ये करने से आपका कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैक आइए। अब नीचे ये नोटिफिकेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर ये शो नोटिफिकेशन आएगा या फिर अलाउ नोटिफिकेशन आएगा, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद नीचे ये जो सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये सारे नोटिफिकेशन इसी तरीके से ऑन करिए। अब बैक आइए। बैक आने के बाद नीचे फ़ोन सर्विसेज पे क्लिक करिए, फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। बैक आ जाइए। अब मैनेज ऐप्स में ऊपर राइट में ये तीन डॉट आएंगे, इन पे क्लिक करिए। अदर सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये डिफ़ॉल्ट ऐप्स, तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करिए। अब लॉन्चर आएगा, नीचे डायल आएगा, डायल पे क्लिक करिए। अगर आपका ये ट्रू कॉलर सेलेक्ट है तो ऊपर ये फ़ोन आएगा, फ़ोन सिस्टम आएगा, इस पे क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। तो अब ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आ जाइए। तो बैक आने के बाद अब यहाँ पे अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए, फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और अब चेक करिए आपके पोको M2 Pro में इनकमिंग कॉल फ़ोन की डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।